तथा हिमाचल सरकार द्वारा कुछ रिलैक्सेशन देने की जो है अधिसूचना 2 दिन पहले हुई थी, उसके फलस्वरूप हमने भी अपना ऑर्डर अमेंड किया है। इसमें मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो चीज़ें पहले हमने रिलैक्स की थी, जिसमें कि इसेंशियल कमोडिटीज़ थे, उसकी दुकानें थी, वो उसी तरह से चलती रहेगी। साथ ही साथ जो हमारी स्टेशनरी और बुक्स की दुकानें थी, ये हमने पहले इसको उसको 2 दिन के लिए फिक्स किया था, मंडे और थर्सडे, उसको भी अब हम पूरे दिन जो है वो चलती रहेगी दुकानें। साथ ही साथ मोबाइल रिपेयर तथा मोबाइल रिचार्ज, इनकी भी जो दुकानें हैं, ये भी दुकानें सभी 6 दिन 7 दिन जैसे भी है वो ये चलती रहेंगी। इसके लिए पिछले कल ही हमने एक नोटिफिकेशन की थी कि जो हमारा रिलैक्सेशन पीरियड है जिला मंडी में, वो अब 4 घंटे का होगा, जो सरकार के आदेश थे कि क्योंकि ज़्यादा दुकानें खुलेंगी तो उस हिसाब से 4 घंटे के लिए रिलैक्सेशन दी जाती है। तो ये पीरियड हमारा सुबह 10 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक रहेगा। ये अगले कल मंडे से हमारा इसकी शुरुआत होगी और आगे इस तरह से चलता रहेगा। तो ये जितना भी रिलैक्सेशन हम दे रहे हैं, ये इसी पीरियड में 10 से लेके 2 बजे तक ये रिलैक्सेशन परमिटेड होगी। इसके साथ जो मेजर एडिशन है वो ये है कि ग्रामीण एरिया में हमारी जितनी भी दुकानें हैं, वो सभी दुकानें अगले कल मंडे 27 से ये सभी दुकानें खोल सकती हैं। ये भी दुकानें सुबह 10 बजे से लेके 2 बजे तक खुली रहेंगी। इसमें ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि शहरी एरिया में अभी कोई भी छूट नहीं दी जा रही है। ये भारत सरकार के जो दिशा निर्देश थे कि मार्केट कॉम्प्लेक्स में तथा मार्केट में जो दुकानें हैं उसमें छूट नहीं देनी है, तो उसके फॉलोअप में कोई भी जिला मंडी के शहरी एरिया में कहीं पर भी एडिशनल छूट नहीं दी जा रही है। जो दुकानें पहले से खुली थी वो सभी दुकानें खुलती रहेगी और सबके लिए टाइम पीरियड सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक रहेगा। इसमें मैं ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि कुछ दुकानें ऐसी है जो कि वर्जित है, वो किसी भी एरिया में, चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी एरिया में, ये खुल नहीं सकती है। ये दुकानें हैं जो बार्बर शॉप्स हैं, नाई की दुकानें हैं, हेयर सलून्स हैं, ब्यूटी पार्लर्स, लिकर वेंट्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, कैफेज़ और ईटिंग जॉइंट्स। ये कहीं पर भी जिला मंडी में कहीं पर भी ये नहीं खुल पाएंगी, ये दुकानें सभी की सभी बंद रहेंगी। इसके साथ ही जो रिलैक्सेशन हमने पहला दिया था कि 10 बजे से लेके 2 बजे तक, ये 1 घंटा हमने उसको बढ़ाया है जो सरकार के दिशा निर्देश है। साथ ही साथ मॉर्निंग वॉक भी ऐड किया गया है, जो सुबह 5:30 बजे से लेके 7 बजे तक, उसमें भी लोगों को छूट दे रखी है कि वो मॉर्निंग वॉक के लिए घर से बाहर निकल सकते हैं। ये भी है कि कुछ बच्चे जो हमारे बाहर फंसे हुए हैं, कुछ और लोग भी फंसे हुए हैं, वो भी धीरे धीरे से मंडी जिला में अंदर आ रहे हैं और वो सभी लोग स्ट्रिक्ट होम क्वारंटाइन में चले जाएंगे। इसके लिए जो आवश्यक जांच है वो बॉर्डर पे की जा रही है और वहाँ से जब उनको रिलीज़ किया जाएगा तो मंडी के ज़िले में आएंगे और वहाँ पर उनको होम क्वारंटाइन में रखा जाएगा। होम क्वारंटाइन को सुनिश्चित करने के लिए पुख्ता इंतज़ाम हमने किए हैं, जिसमें हमारे पंचायत प्रधान, आशा वर्कर्स, बाकी हेल्थ के स्टाफ, हमारे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, पटवारी है, सभी लोग इसमें शामिल है। और एक पुख्ता सिस्टम जिला मंडी में हमने सेटअप किया है, जिसमें कि बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम हमारा है कि बॉर्डर से जो भी गाड़ी अंदर आती है उसके जितने पैसेंजर्स होते हैं उसका डेटा रिकॉर्ड किया जाता है और वो कंसर्न पंचायत को पास ऑन किया जाता है और हर पंचायत स्तर पर इसको टैली किया जाता है कि कितने लोग बॉर्डर से अंदर आए और पंचायत में आए। इन सभी लोगों को 28 दिन के लिए स्ट्रिक्ट क्वारंटाइन में रखा जाएगा और उसके बाद ही वो बाहर निकल सकते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। इस पूरे पीरियड में मैं बताना चाहूँगा कि जो रिलैक्सेशन धीरे धीरे से हम दे रहे हैं, चाहे मॉर्निंग वॉक की हो या बाकी रिलैक्सेशंस भी दिए रहे हैं, टाइम भी बढ़ रहे हैं, कुछ लोग भी आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में अब बहुत ज़रूरी हो गया है कि लोग अपनी जिम्मेदारी समझें और अपने बचाव के लिए जो डायरेक्शंस है सरकार की उसको फॉलो करें, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग और फेस कवर, फेस मास्क, ये 2 चीज़ें हैं, इसको हर व्यक्ति को सुनिश्चित करना पड़ेगा। अब तक तो प्रशासन के कंट्रोल की वजह से, पुलिस की तैनाती की वजह से सब जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग इन्फोर्स की जा रही थी, पर अब ये संभव नहीं हो पाएगा कि जो मॉर्निंग वॉक में लोग जा रहे हैं वहाँ पर सब जगह पर पुलिस तैनात हो या वॉलंटियर्स तैनात हो या प्रशासन के अधिकारी तैनात हो।
लोगों को अपनी जिम्मेदारी खुद समझनी पड़ेगी और खुद ही जो है वो दूरी बरकरार रखते हुए अपनी गतिविधियां करनी होगी। ये आने वाले दिनों के लिए भी जैसी छूट बढ़ती जाएगी वैसे ज़्यादा लोग जो है इसमें शामिल होते रहेंगे और लोगों को अपने आप सेल्फ कंट्रोल सेल्फ डिसिप्लिन जो है इसमें रखना पड़ेगा ताकि वो अपने आप को भी इस बीमारी से ग्रसित होने से कोरोना वायरस की संक्रमण से बचने के लिए वो इसमें सफल हो पाए और साथ ही साथ अपने परिवार को भी बचाएं क्योंकि कोई व्यक्ति अगर बाहर निकलता है बिना फेस कवर के और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखते हैं उससे वो बीमारी खुद भी वो संक्रमित हो सकते हैं और जब उसको वो घर ले जाएंगे तो अपने परिवार को भी संक्रमित इस बीमारी से कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में लोगों को अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा लेनी पड़ेगी क्योंकि कंट्रोल धीरे धीरे से कम हो रहे हैं, लोगों को छूट दी जा रही है, लोग एक्टिविटीज़ के लिए बढ़ रहे हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि सब जगह पर प्रशासन या पुलिस तैनात हो, तो लोग अपने आप सेल्फ डिसिप्लिन इसको फॉलो करें। यही मैं अपील आपके माध्यम से सभी लोगों से करना चाहूँगा कि जिला मंडी में अपने आप को बचाने के लिए सभी लोग फोकस करें कि हमने अपने आप को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है और उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग साथ ही साथ फेस कवर मास्क जिस भी तरीके से है वो पहनकर ही बाहर निकले। फेस कवर और मास्क के लिए भी हमने ऑर्डर निकाले हैं जिसमें कि अगर कोई नहीं पहन के जाता है तो उसमें हमने पुलिस एक्ट में पुलिस को शक्तियाँ दी हैं कि पुलिस किसी का चालान कर सकता है और उसमें जुर्माना भी किया जा सकता है। इसके पहले से प्रावधान ये था कि उनके लिए उनके खिलाफ़ जो है केसेस दर्ज होने थे पर अब जुर्माने का भी प्रावधान हमने किया है तो पुलिस कहीं पर भी जो बिना फेस कवर किए हैं वो पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लेगी। ये कदम हमने उठाए हैं पर मैं लोगों से फिर से अपील करता हूँ कि जिस तरह से लोगों ने हमें हमारा एक महीना भर अब तक साथ दिया है क्योंकि हमने कर्फ्यू यहाँ पर 24 मार्च को लगाया था और आज 26 अप्रैल आ गया है और एक महीना भर लोगों ने हमारा बढ़ चढ़कर साथ दिया है इसको इंप्लीमेंट करने में और यही रीज़न है कि लोगों के सहयोग की वजह से लोगों के डिसिप्लिन की वजह से हमारे पास एक महीने में अभी तक कोई भी केस जिला मंडी में पॉजिटिव केस नहीं पाए। मैं आपके माध्यम से ये भी लोगों को सूचना देना चाहूँगा कि जिला मंडी में आज दिन तक 288 लोगों की कोविड टेस्ट की गई है और ये सब के सब 288 ये पूरे के पूरे नेगेटिव आए हैं। 10 दिन पहले तक हमने सिर्फ 17 टेस्ट किए थे जिला मंडी में, उसे हमें आइडिया नहीं लग रहा था कि जिला मंडी में कितना ये फैला हुआ है पर अब 288 टेस्ट के बाद हम कह सकते हैं कि अभी तक हमारे पास कोई मामला नहीं आया है। टेस्ट के संख्या जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, हम और लोगों को भी इसमें जाँच कर रहे हैं, जो असिम्प्टोमेटिक लोग हैं उनको भी जाँच कर रहे हैं और ये जाँच की प्रक्रिया हमारी लगातार चलती रहेगी। पर मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जिस तरह का सहयोग हमारे लिए आपने एक महीने पर किया है इसी तरह का सहयोग हमारे साथ आगे भी करते रहें। जो रिलैक्सेशन हम दे सकते हैं, जो सरकार के दिशा निर्देश है उस तरह से हम इसको देते रहते हैं और लोगों के सहयोग से हम सब मिलजुल कर इस बीमारी से निपटने में हम कामयाब हो पाएंगे।